चलो टिकट तो उनके पास है। बना दी इसकी ना। फ्रेंड्स आई एम मोहित फ्रॉम मोमेंट इन रील वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए थे पिंजौर गार्डन, लेकिन यहाँ आकर हमें पता चला है कि यहाँ पर मैंगो फेस्टिवल हो रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि पिंजौर गार्डन कैसा है और मैंगो फेस्टिवल में क्या क्या होता है। तो ये है पिंजौर गार्डन की पार्किंग और उस तरफ से है मेन एंट्री, वहाँ पर ही टिकट काउंटर है जहाँ पर आपको पार्किंग टिकट लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों पिंजौर गार्डन में जो टिकट का प्राइस है वो है 25 रुपीज़ पर पर्सन, और इसके साथ ही यहाँ पर बच्चों के लिए एक पार्क भी है जिसमें काफ़ी सारे झूले लगे हुए हैं। मैंगो फेस्टिवल के लिए इस गार्डन को काफ़ी डेकोरेट किया गया है। मैंगो फेस्टिवल की बात करें तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ मैंगोज को डिस्प्ले किया गया है। पिंजौर गार्डन कई एक्सटेंशंस में डिवाइडेड है। पहली एक्सटेंशन शीश महल है। तो फ्रेंड्स वो जो मेरे सामने है वो है शीश महल, और इसी के बिल्कुल सामने आपको पड़ेगा रंग महल। तो दोस्तों रंग महल के बाद हम इसकी नेक्स्ट एक्सटेंशन पे जा रहे हैं, बिल्कुल इसके साथ से रास्ता जाता है जो इसकी नेक्स्ट एक्सटेंशन पर निकलता है। हैंडीकैप पर्संस के लिए यहाँ पर रैंप बनाया गया है जिसका इस्तेमाल कर वे नेक्स्ट एक्सटेंशन पर मूव कर सकते हैं। मैंगो फेस्टिवल के दौरान पिंजौर गार्डन में क्राफ्ट बाजार भी लगता है। यहाँ पर लोकल स्कूल के बच्चों के डांसिंग एंड सिंगिंग के कॉम्पिटिशन्स भी करवाए जाते हैं। मैंगो फेस्टिवल में लाइव परफॉर्मेंस भी होती है। इस बार के मैंगो फेस्टिवल में अखिल एंड कन्वर गरेवाल द्वारा लाइव परफॉर्मेंस की गई थी। इस फेस्टिवल में अलग अलग स्टेट से आर्टिस्ट आते हैं और यहां पर परफॉर्म करते हैं। अगर आपको यहां पर स्टे करना हो तो आपको यहां पर रूम्स भी मिल जाएंगे। रूम्स का प्राइस 2000 से स्टार्ट होकर 6000 तक है। रूम्स के साथ यहां पर रेस्टोरेंट, बार, कॉन्फ्रेंस हॉल, फूड कोर्ट भी है। रूम्स की बुकिंग के लिए आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। तो ये थी मेरी पिंजौर गार्डन पर एक छोटी सी वीडियो। आई होप आप सबको ये पसंद आई हो। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।